नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में कांग्रेसियों ने यात्रा निकाली, जिससे बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में यह यात्रा राजधानी में निकाली गयी। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और देश में फैली अराजकता के खिलाफ यह यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि ये सभी कार्यकर्ता बड़वाह पहुंचकर यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी 26 नवंबर को महू पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे और 30 नवंबर को राहुल गांधी उज्जैन पहुंचेंगे। राहुल गांधी जी की जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा चल रही है, उसके समर्थन में आज भोपाल में हमने हमारे जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा जी और सभी पार्षदों के साथ ये पदयात्रा यहाँ पे नेहरू नगर से यहाँ तक निकाली है और 17 उपयात्राएं चल रही है मध्य प्रदेश में। जो राहुल जी की मुख्य यात्रा जो 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में एंटर हो रही है दोनों, और ये सब भी पदयात्री बढ़वा जाकर स्वागत करेंगे राहुल जी का। ये महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो लोगों के अंदर एक भय पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली की सरकार और मध्य, उन सब के खिलाफ है। और ये मान के चलिए ये नारा है कि राहुल गांधी ने ये आंधी है और जो पैदल चले वो गांधी है, चाहे वो महात्मा गांधी हो चाहे राहुल गांधी, उनके समर्थन में है। और 13-14 दिन वो मध्य प्रदेश में रहेंगे, पूरा मध्य प्रदेश उमड़ के आएगा। और हमारा आह्वान है लोगों को कि 26 नवंबर को आइए महू में बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर, जहाँ आएंगे राहुल जी, और 30 को आइए महाकाल, जहाँ दर्शन करेंगे, बाद में जनसभा को हम संबोधित करेंगे। सभी प्रदेशवासी, भोपाल वासियों से आह्वान है कि वो पहुंचे वहां पर, ये सब लोग भी बढ़वा जाए। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।